देखिए ये गैया है हमारी, और देखो नदी है अभी पानी पी कर। ये देखो गर्मी का मौसम है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है पानी पी के। ये देखो पानी पी कर आगे बढ़ती हुई नदी में से पानी पिया, अभी ठंडा ठंडा इन्होंने। देखो पूरा जो गायों का झुंड है वो आगे बढ़ता हुआ देखिए। और ये है हमारी छोटी बेला, बेला ये बेला है, छोटी बेला है, ये बेला है देखिए, ये छोटी बेला है। ये देखो कितनी सुंदर है, प्यारी है, सीधी है एकदम बेला, ये बेला। ये देखिए यार प्यारी सी बेला, और ये है धौड़ी, ये धौड़ी धौड़ी। देखो अब इनके टीकाकरण होगा। ये देखिए, देखो आप ये लंपी की चपेट में आ गई थी बहुत बुरी तरह। वो देखो बहुत ही प्यारी प्यारी गाय हमारी, बहुत ही शानदार। देखो अपनी गौ माता चल रही है देखिए, और रोड के किनारे किनारे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। देख सकते हो ये नदी का स्वच्छ जल भरा हुआ है एकदम। गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, और गाय आगे बढ़ती हुई। अब गर्मी में क्या है कि मध्य प्रदेश से और हमारे गांव की तरफ रवाना हुई है, अब वहीं रहेंगे जुलाई तक। जुलाई के पश्चात इनको वापस लाया जाएगा, जुलाई में फिर से मध्य प्रदेश में आएंगी। देखो आराम से ये देखिए चरती हुई साथियों, ये देखिए गौ माताओं के साथ बहुत सुकून है साथियों। अगर कोई सुकून का अनुभव करना चाहे इनके साथ तो एक बार समय बिता के देखिए गायों के साथ। मेरा दावा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप गौ माताओं के साथ समय व्यतीत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सुकून की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए जय गौ माता सभी साथियों को।